फायरआर्म्स सुरक्षा के लिए उपकरण होते हैं और इन्हें किसी प्रोफेशनल के सामने सावधानी पूर्वक हैंडल किया जाना चाहिए। ये खिलौने नहीं है और जब कोई फायरआर्म्स का सामना करे तो सावधानी बरतनी चाहिए। भारत में फायरआर्म्स के पोसेशन को सरकार द्वारा सख्ती से नियंत्रित किया जाता है और इसके लिए सही लाइसेंस की आवश्यकता होती है। बिना सही दस्तावेज के फायरआर्म्स को रखना गैरकानूनी और दंडात्मक कार्रवाई के लिए योग्य है। फायरआर्म्स का उपयोग केवल प्रोफेशनल शूटिंग स्पोर्ट या आत्मरक्षा के उद्देश्यों के लिए होना चाहिए और इसे विशेषज्ञ के साथ ही किया जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल द इंडियन गन गाय में। दोस्तों, आखिरी बार मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने 12 बोर हैंडगन और राइफल को कंपेयर किया था होम डिफेंस और सेल्फ डिफेंस के लिए। तो उसमें कई लोगों ने ये किट देखी तो मुझसे सवाल पूछे। मैं आपको फटाफट से बताता हूं कि ये किट मैंने क्यों लगवाई है और इसके क्या फायदे हैं। थोड़ी सी लिमिटेड चीजें हैं पर वो काफी यूजफुल साबित होती हैं। सबसे पहली बात, इसका जो स्टॉक है वो अब फोल्डेबल हो गया है तो हम इजीली इसको घुमा के कैरी कर सकते हैं। हम इसको गाड़ी में इसको हम रखेंगे तो ये जगह कम घेरती है और कैरी आप इसको आराम से कर सकते हैं। उसके बाद इसकी फंक्शनिंग तो सेम रहती है, वह मैगजीन यहीं से डलती है। बोल्ट एक्शन इसका सिंपली वैसे का वैसे ही काम करता है। इस पर ये रेल्स दिए हैं, इन्हें पिकट इन रेल्स बोलते हैं। इन पर आप बेसिकली गन की एक्सेसरीज माउंट कर सकते हैं। गन एक्सेसरी ज़्यादा तो ज़रूरत हमें है नहीं क्योंकि हम इसे डिफेंस के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो स्कोप देखिए, स्कोप जब भी आप इस पर देखेंगे तो वो ज़्यादातर तो शो के लिए ही होता है, तो मुझे पर्सनली स्कोप की कोई ज़रूरत नहीं थी तो मैंने नहीं लगाया। इसको आप वाकई में जो यूज़ कर सकते हैं, आप इस पर एक फ्लैशलाइट लगा के रख सकते हैं, यानी एक टॉर्च माउंट कर सकते हैं। अमेजोन पे आपको आसानी से पिकटिनी रेल्स के लिए टॉर्चेस मिल जाएंगी, वो आप इस पर माउंट करके रख सकते हैं ताकि आप किसी अंधेरी वाली जगह में हैं तो आप सिंपली उस लाइट को जला के इसको कैरी करके आप आसपास देख सकते हैं। उसके अलावा इसका जो वज़न है वो थोड़ा कम हो गया है, वेट का बैलेंस थोड़ा बिगड़ा है, आगे की तरफ थोड़ी ज़्यादा हैवी हो गई है, पर ओवरऑल वज़न थोड़ा कम हो गया है तो ये ईजी हो गई है कैरी करने में। बाकी देखिए, लुक तो देखिए लकड़ी का ही बेहतर होता है, पर इस किट से जो है इसका बेसिकली पोर्टेबिलिटी बढ़ जाती है और कैरी करने की ईजीनेस आ जाती है। अगर आप इसको लगवाना चाहते हैं तो आप ज़रूर लगवाइए, मैं रिकमेंड करूँगा क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा ही है इसे कैरी करने में। बाकी लुक के हिसाब से अगर आप चाहें तो ये कैमोफ्लाज या पर्टिकुलरली बोलूँ तो क्रिप्टिक पैटर्न भी अवेलेबल है मार्केट में इसका, तो हमने मंगवाया पर हमें पर्सनली ये पसंद नहीं आया। हमें थोड़ी ये खिलौने जैसी लगने लगी तो हमें वो पसंद नहीं आया। इसको मंगवाने के लिए हमने कांटेक्ट किया था नेशनल गन हाउस अलीगढ़ से, जहाँ पे हमें मिस्टर अली मिले। उन्होंने हमें अच्छे से गाइड किया और सब चीज़ें समझा दी और काफ़ी जल्दी हमारे पास हमें ये किट भेज भी दी। तो अगर आप चाहें तो मैं उनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप कांटेक्ट करके उनसे ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहिए मेरे चैनल पर ऐसी बंदूकों की जानकारी के लिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप और क्या वीडियोज़ देखना चाहते हैं और क्या जानकारी चाहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।